नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमोलोये सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोगणि मंगलं कुंडकुंडार्यो धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमयोन जिनं वीरं अनंतवर्णान दंशन सहावं वोच्छामिनियम सारं केवली शुद्ध केवली गणितम्। आचार्य कुंद देव के द्वारा 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की गई है, तो अपन जानते हैं, है ना। और मंगलाचरण में भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद आचार्य कुंद देव का नाम आता है। विदेश क्षेत्र जाकर के भगवान सिमंदर परमात्मा का साक्षात्कार किया और अनेक परमागमों की रचना के उपरांत एक विशेष परमागम उन्होंने बनाया जिसका नाम है नियम सार परमागम। ठीक है, आज अपन आज और कल में नियम सार परमागम की थोड़ा विषय वस्तु का थोड़ा परिचय अपन थोड़ा समझेंगे। ठीक है, देखो आचार्य कुंद देव ने जितने भी ग्रंथ बनाए उनमें समय सार परमागम अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीवों को संबोधन करने के लिए बनाया है, बराबर, एकदम अज्ञानी जीवों को संबोधन करने के लिए। और कई गाथाएं इस तरह की है तो अब अज्ञानी को समझाने का प्रयत्न करते हैं, ऐसा वैसा बहुत गाथाएं हैं। प्रवचन सार ग्रंथ की जो उन्होंने रचना की और पंचाष्टिकाय ग्रंथ की रचना की, वो जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था क्या है, द्रव्य गुण पर्याय की, यानी सही मायने में जैन दर्शन क्या है। दर्शन का मतलब होता है जिसमें विश्व की व्यवस्था का विवेचन हो। तो अपने यहां पर विश्व माने षट द्रव्यात्मक, छह द्रव्यों का समुदाय, और विश्व में क्या है, द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ नहीं। तो द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था को बताने के लिए ये दोनों ग्रंथ समर्पित हैं। अष्टपाहुड़ ग्रंथ जो आचार्य देव ने लिखा कि जब आचार्य कुंद हुए थे तो हमारा जैन मार्ग दो भागों में विभाजित हो गया था। जो शिथिलाचारी वर्ग था वो श्वेतांबर कहलाया, और जो मूल जिनागम के साथ रहे, मूल जिन शासन के साथ रहे, वे लोग दिगंबर कहलाए। तो चूंकि उनका प्रादुर्भाव हुआ ही हुआ था तो जैन दर्शन में कोई विकृतियां उनके निमित्त से नहीं पनप जाए, या जैन दर्शन का मुनि मार्ग शिथिलाचार की चपेट में नहीं आ जाए, इसलिए उस ग्रंथ में उन्होंने मुख्य रूप से मुनि धर्म का बहुत सुंदर और बहुत ही सचोट भाषा में निरूपण किया है। यहां तक कह दिया है कि मुनिराज का जो रूप है वो तो यथा जात रूपधर होते हैं, और उनमें तिल के तुस मात्र भी ग्रहण करे तो निगोच जाते हैं। कई कई गाथाएं तो ऐसी है कि मुनि मार्ग में शिथिलाचार का पोषण करने वाले जीवों को उन्होंने पशु कहने से भी नहीं चूके। श्रमण नहीं त्रियंच है,
जो ऐसा करते हैं श्रमण नहीं त्रियंच है, ऐसी बहुत सारी गाथाएं मिलती है। तो एक तरह से आचार्य कुंद देव ने मुनि मार्ग में प्रवेश होने वाली जो शीतलाचार की दशा थी उसका उन्होंने उसमें बहुत दृढ़ता पूर्वक निषेध किया। इसके बाद एक परमागम बचता है जो आचार्य कुंद की ऐसी कृति है जो उन्होंने स्वयं निज भावना के निमित्त बनाई, निज भावना निमित्तम, ऐसा आया ना लास्ट में कि मैंने जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश के सार को ग्रहण करके निज भावना के निमित्त इस परमागम की रचना की है। बराबर। तो आचार्य कुंद का यानी किसी भी मुनिराज का अंतरंग वैभव, अंतरंग परिणति किस तरह की होती है, अगर ये हमें देखना हो तो हमें नियमसार परमागम का बहुत गहराई से स्वाध्याय करना पड़ेगा। देखो, वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन मुनिराज की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कठोर अनुशासन प्रशासन मुनि मार्ग में यह भी मुनिराज का कोई वास्तविक उत्तरदायित्व तो नहीं है। अज्ञानियों को समझाना यह भी कोई आवश्यक नहीं है कि सब समझावे, विकल्प आया तो ये काम कुंद आचार्य भगवान के जीवन में भी हुए, नहीं विकल्प आता तो नहीं भी होते। लेकिन नियम सार में जो मुनि मार्ग की व्यवस्था वर्णित है, भले ही कोई आचार्य अपनी कलम से उसे लिखें या नहीं लिखें, लेकिन वे वैसा जीवन जीते हैं। तो मुनिराज कैसा जीवन जीते हैं यदि ये हमें समझना हो तो नियम सार को समझना पड़ेगा। समय सार जहां दृष्टि प्रधान ग्रंथ है वहां नियम सार दृष्टि प्रधान चारित्र की मुख्यता वाला ग्रंथ है। नियम सार शब्द में ही ये चीज पड़ी है। नियम माने होता है नियम से करने योग्य। लोक में बोलते नहीं बोलते कि तुम नियम लो, तो क्या नियम ले हम? तो वो नियम आचार्य देव ने इसने बताया कि करने योग्य नियम क्या है कि देखो, दूसरी सब चीजें तो जीव अनंत भवों में अनंत काल से अनंत बार कर चुका, भव भी अनंत हुए, भव में अनंत काल, भूतकाल का अनंत काल, समझा गया ना, ऐसे अनादि वो भी बीता और अनंत बार ये सब कुछ कर चुका, बड़े से बड़ा पाप भी अनंत बार कर चुका और मिथ्या दृष्टि की भूमिका के योग्य बड़ा से बड़ा पुण्य भी अनंत बार कर चुका है। क्या बहुत सा परिग्रह का धारी सम्राट भी अनंत बार हुआ और शरीर पर तिलतुस मात्र परिग्रह नहीं धारण करे ऐसा द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि भी अनंत बार हुआ, सातवें नरक की घोर वेदना भी अनंत बार भोगी और मिथ्या दृष्टि के योग्य देवगति की 31 सागर की आयु वाले नवें ग्रेवेक में भी ये अनंत बार गया। लेकिन परिभ्रमण के चक्र का अंत नहीं आया और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि परिभ्रमण के चक्र का अंत तो आया ही नहीं, लेकिन मुझे परिभ्रमण का अंत करना है, अब मुझे संसार में भटकना नहीं है, ये बात भी अंदर से इसे जची नहीं। अपन लोग अपने जीवन को यदि देखें तो जो भी हम उपक्रम अपने जीवन में कर रहे हैं वे मात्र इस पर्याय संबंधी उपक्रम कर रहे हैं और इस पर्याय की स्थिति कोई अनंत काल नहीं है, अनंत काल तो है ही नहीं, सैकड़ों वर्ष भी इस पर्याय में हमें रहना नहीं है। लेकिन उपक्रम कौन से कर रहे हैं उसके बाद भी कि इसी पर्याय संबंधी हम लोग यत्न कर रहे हैं, खाने का, पीने का, कमाने का, पांच इंद्रिय के विषय भोगों का, है ना,
और धर्म कर्म की बात भी कदाचित अपन लोग सुन लेते हैं, तो वो इसलिए कि हम जैन कुल परंपरा में जन्मे हैं, इसलिए हमें जैन धर्म का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, या अपने को जैन धर्म के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए, या ऐसा और अनेक प्रकार के अभिप्राय हो सकते हैं। जिनवाणी ये कहती है कि तुम्हारे जीवन में जिनवाणी का परिणमन तब तक नहीं होगा, कितना ही पढ़ लेना, कितना ही पढ़ा लेना, कितना ही सुन लेना और कितना ही सुना लेना, इस जिनवाणी का परिणमन तब तक नहीं होगा कि जब तक हमें संसार की चार गतियों से दुख नहीं लगा होगा। दुख तो लगा हो, लेकिन अगर हम उस दुख में ही रहना पसंद करते हो तो भी जिनवाणी का परिणमन नहीं होगा। दुख लगा हो ये तो एक शर्त, और किसी भी कीमत पर मुझे इस दुख से छुटकारा चाहिए ही चाहिए, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे अब ये दुख सहन नहीं करना है। ऐसी उछलती हुई उफनती हुई अगर अपनी भावना हो तो ये जिनवाणी, ये तत्व ज्ञान हमारे जीवन में परिणमन करेगा। भर पेट भोजन हो और बहुत मनपसंद भोजन हो, लेकिन यदि अंदर में भूख नहीं लगी है ना, तो वो भूख नहीं लगने पर वो मनपसंद भोजन भी किस काम का है कि नहीं। और भूख लगी हो तो सूखी रोटी भी चक्रवर्ती के पकवान से कम नहीं लगती, आगे कि नहीं आगे, लेकिन लगनी चाहिए भूख। इसी तरह अब हमारी आत्मा में हमें सुख की भूख लगनी चाहिए। अनंत काल तक दुख भोगा, अब अनंत काल ये दुख मुझे भोगना नहीं है, बीते अनंत काल तक भोगा लेकिन अब आगामी अनंत काल तक मुझे ये दुख नहीं भोगना है। अंदर से जिसे ऐसा दृढ़ निश्चय हुआ है वो जीव जिनवाणी को परिणमन कराने के लायक है। समझा गया? तो पहला प्रश्न आया कि ये जो नियम सार परमागम की रचना आचार्य देव ने की, इसमें नियम सार शब्द का मायने क्या है? ये देखो, नियम माने नियम से करने योग्य। तो अभी जो बात चली कि जो हमने किया अब तक वो तो करने योग्य था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि यदि वो करने योग्य होता तो हमारा भव भ्रमण क्यों चालू है? और यदि भव भ्रमण चालू है तो इसका मतलब ये हुआ कि आज तक हमने जो भी किया है वो भव भ्रमण को बढ़ाने का ही कार्य किया है। चाहे तीव्र से तीव्र पाप किया हो, चाहे तीव्र से तीव्र पुण्य किया हो, लेकिन भव भ्रमण को बढ़ाने के अलावा हमने कुछ नहीं किया। तो आचार्य देव की जो कलम चली कि नियम से करने योग्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये नियम से करने योग्य कर्तव्य है। क्या है ये? नियम से करने योग्य कर्तव्य है। और इसके साथ में जो सार शब्द लगाया, तो आचार्य कुंद कहते हैं कि इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो निर्मल परिणति है, उस निर्मल परिणति के साथ हमारे को मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का तो अभाव पहले ही हो गया था, चौथे गुण स्थान में हो गया था, लेकिन हमारी भूमिका में अभी संजलन कसाय के उदय से और अपने स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ की कमजोरी से, जितना हमारी स्वभाव सन्मुखता के पुरुषार्थ में कमी है, उस कमी के कारण हमारे जीवन में व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम पाया जाता है। निश्चय के साथ में पाए जाने वाले, भूमिका के योग्य, उस भूमिका में अनिवार्य रूप से होने वाले, उस शुभ भाव को
उस प्रशस्त भाव को व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कहते हैं। और आचार्य कुंद कहते हैं कि हम उस व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का भी अपनी परिणति में से निषेध चाहते हैं, हमें वो भी नहीं चाहिए। हम तो वो दशा चाहते हैं कि एक बार अंदर में अपने स्वरूप में जाकर के डुबकी लगावें तो अपने स्वरूप से निकल करके वापस कभी बाहर आना ही नहीं पड़े हमें। हम तो वो स्थिति चाहते हैं कि हम कभी अपने स्वरूप से बाहर आवे ही नहीं। किसी भी ज्ञानी की, किसी भी धर्मात्मा की, किसी भी आत्मार्थी की इससे बढ़िया और भावना कौन सी हो सकती है। देखो, भावना में संपूर्ण रूप से अपनी आत्मा में स्थिरता की भावना होने पर भी पुरुषार्थ की गति साथ नहीं देती। भावना तो पूर्ण रूप से स्वरूप में स्थिर हो जाने की होती है, लेकिन पुरुषार्थ की गति अभी साथ नहीं देती, तो उनकी भूमिका में कुछ विकल्प हो जाते हैं, अनिच्छा पूर्वक भी, उपादेय बुद्धि के अभाव में भी वे विकल्प हो जाते हैं। और उन विकल्पों को व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कहा जाता है, जो कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के साथ होने से उनको व्यवहार की संज्ञा जिनवाणी देती है। उसका भी वे ज्ञानी निषेध चाहते हैं तो पाप की परिणतियों का ज्ञानी जन समर्थन करेंगे, उसकी अनुमोदना करेंगे, उसमें रहना चाहेंगे, ये तो संभव ही नहीं है। भले ही ग्रस्त दशा में ज्ञानियों की भूमिका में पाप परिणाम भी आ जाते हैं, तो भी ज्ञानी किसी भी पाप परिणाम को नहीं चाहते, ज्ञानी किसी पुण्य परिणाम को नहीं चाहते। ऐसे इस नियम सार के साथ में सार शब्द लगाकर आचार्य कुंद देव ने इस ग्रंथ का मंगल प्रारंभ किया। इस ग्रंथ में कुल 12 अधिकार हैं। वो 12 अधिकार किस बात के लिए समर्पित हैं? तो नियम सार में आचार्य कुंद ने कहा कि भाई इस ग्रंथ में हम मार्ग और मार्ग फल का विवेचन करेंगे। काय का विवेचन करेंगे? मार्ग और मार्ग फल का विवेचन करेंगे। तो मार्ग है वो मोक्ष मार्ग है, मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है, और मोक्ष मार्ग के फल में प्रकट होने वाला केवल ज्ञान अथवा सिद्ध दशा वो उस मार्ग का फल है। ध्यान देना, मार्ग और मार्ग फल, मैंने मार्ग माने अपूर्ण शुद्धता और मार्ग फल माने पूर्ण शुद्धता। तो अपूर्ण शुद्धता हो चाहे पूर्ण शुद्धता हो, वो मार्ग और मार्ग फल पर्याय है। क्या है वो? एक समय की पर्याय है। और आश्चर्य की बात तो ये कि ना तो मार्ग की पर्याय और ना ही मार्ग फल की पर्याय कभी भी पर्याय के आश्रय से होती है, मतलब कोई पर्याय के आश्रय से मार्ग और मार्ग फल की पर्याय प्रकट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो पर्याय मार्ग और मार्ग फल की प्रकट है वो पर्याय स्वयं ही एक समय की है। जो खुद एक समय की है, जिसका खुद का जीवन एक समय का है, उसका अवलंबन नहीं हो सकता। उसका वेदन होता है लेकिन अवलंबन नहीं होता। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर वो मार्ग और मार्ग फल किसके आश्रय से होता है? तो आचार्य भगवान इस नियम सार परमागम में हमारे उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं कि एकमात्र कारण ध्रुव स्वभाव, कारण परमात्मा, कारण जीव, जिस नाम से कहना हो कह दो, वो जो त्रैकालिक ध्रुव सत्ता है, जो सदा है, जो शाश्वत है, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला, जिसमें कभी अशुद्धता नहीं आएगी, जिसमें कभी विकृति नहीं आएगी, जिसमें कभी न्यूनता नहीं आएगी,
जो कभी मरती नहीं, जो सदा विद्यमान है, उस सदा विद्यमान तत्व के अवलंबन से, अवलंबन करने वाली पर्याय में शुद्धता का जन्म होता है। इसलिए इस परमागम में जहां कारण माने कारण कार्य के रूप में चर्चा की, तो वहां जहां पर्याय माने वो पर्याय कहो के कार्य को एक ही बात है, तो मार्ग और मार्गफल ये हुआ कार्य, और उस कार्य का कारण कौन हुआ कि त्रैकालिक ध्रुव चैतन्य सत्ता उस कारण का कार्य है। तो ये पूरा नियम सार कारण कार्य की शैली में लिखा गया ग्रंथ है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि गुरुदेव श्री के 215 प्रवचन, वैसे तो करीब 8-9 बार नियम सार पर प्रवचन हुए हैं, लेकिन एक बार के 215 प्रवचन जो 7 भागों में शब्दशः प्रकाशित हुए, उनका नाम भी कारण कार्य नियम है। क्या नाम है उनका? कारण कार्य नियम। नियम सार के उन प्रवचनों का नाम है कारण कार्य नियम, यानी कारण और कार्य की ऐसी संधि कि जो मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का कार्य तुझे चाहिए, उस कार्य का कारण तू स्वयं है, ध्रुव चैतन्य त्रिकाली सत्ता वो उस कारण का कार्य स्वयं है। तुझे मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए, तुझे मोक्ष प्रकट करने के लिए, तुझे सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए, ज्ञान प्रकट करने के लिए, चारित्र प्रकट करने के लिए, और चारित्र के जितने भेद इस अधिकार में गिनाए, परमा प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, भक्ति, समाधि, प्रायश्चित, है ना, ये जितने भी हैं आवश्यक, ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे परिणाम उस कारण परमात्मा के आश्रय से होते हैं। इसलिए इस नियम सार ग्रंथ के टीकाकार मुनिराज पद्म प्रभमलधारी देव ने, अगर आचार्य कुंद देव ने कार्य की चर्चा की, तो उसमें से टीकाकार ने कारण की बात निकाली, और अगर आचार्य कुंद देव ने कारण की चर्चा की, तो टीकाकार मुनिराज ने उसमें से कार्य की बात निकाली। माने कुंद आचार्य ने कार्य की बात की, तो टीकाकार ने कहा कि ये कार्य इस त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा के आश्रय से प्रकट होगा, माने इस कार्य का कारण ये है। और कहीं आचार्य कुंद देव ने कारण शुद्ध परमात्मा की चर्चा की, माने त्रिकाली ध्रुव सत्ता की चर्चा की, तो टीकाकार मुनिराज ने उस त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा के आश्रय से कौन सा कार्य प्रकट होगा, क्योंकि कारण है कारण है कारण है ऐसा कहते रहने से कोई समझ में नहीं आएगा ना, है ना। तो अभी आचार्य कुंद के जमाने में लोगों की बुद्धि बहुत थी, तो कारण कहते ही वो कार्य भी पकड़ लेते थे। अभी बुद्धिहीन हुई तो आचार्य कुंद ने कारण की चर्चा कह के गाथा पूरी कर दी थी, तो टीकाकार उसमें से कार्य की चर्चा भी निकाल करके लाए कि यदि तू इस कारण स्वभाव का आश्रय करेगा तो तुझे सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की समस्त दशाओं की तेरी पर्याय में उपलब्धि हो जाएगी। आया, ऐसा एक कारण कार्य की शैली में लिखा गया ग्रंथ। श्रीमद राजचंद्र हुए, नाम सबने सुना ही है, तो श्रीमद राजचंद्र के जमाने में यह ग्रंथ प्रसिद्ध नहीं था। जयपुर की एक शास्त्र भंडार में से ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी को पहले यह ग्रंथ मिला नियमसार, और उन्होंने इस ग्रंथ की टीका के आधार पर एक भावानुवाद जैसी टीका उन्होंने लिखी भी थी, और उसको उन्होंने प्रकाशित भी कराया। गुरुदेव श्री ने जब पहली बार नियमसार ग्रंथ पर प्रवचन किए, तो उसी टीका के आधार पर प्रवचन किए। लेकिन जब गुरुदेव श्री प्रवचन करते थे, तब उनको ये बात लगती थी कि भाई इस ग्रंथ की टीका का तो शब्द से अनुवाद होना चाहिए, और
गुरुदेव श्री की प्रेरणा से पंडित हिम्मत भाई जेठालाल शाह जो पूज्य बहन श्री के बड़े भाई होते हैं, उन्होंने समय सार आदि परमागमों की जैसे हिंदी टीका गुजराती टीका लिखी थी, उसी तरह नियम सार की टीका और पद्यानुवाद की रचना उन्होंने की है ना। ये नियम सार का इतिहास, माने गुरुदेव श्री के काल में नियम सार की जैसी प्रसिद्धि हुई, श्रीमद राजचंद्र के काल तक नियम सार की ऐसी प्रसिद्धि नहीं थी। ये अपन लोगों का भाग्य है कि जो आचार्य कुंद कुंद की निज भावना के निमित्त लिखी गई कृति है, निज भावना के निमित्त का मतलब समझे ना, कि जैसे कोई अपनी अंगद डायरी लिखते हैं ना, अपन अपनी व्यक्तिगत बातें अपनी डायरी में नोंद करते हैं, ऐसे समझ लो आचार्य कुंद कुंद ने अपना आंतरिक जीवन क्या है कि उसकी नोंद एक तरह से ये नियम सार परमागम में उन्होंने रखी। इसमें पहला अधिकार जीव अधिकार है और दूसरा अधिकार अजीव अधिकार है। तो जीव और अजीव अधिकार में सामान्य रूप से जीव की और अजीव अधिकार में अजीव की चर्चा करके उसके भेद पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की चर्चा की। जीव अधिकार की चर्चा में एक विशेष बात यह आई कि जिनागम में उपलब्ध जिनागम में पहली बार कारण शुद्ध पर्याय शब्द नियमसार परमागम में आया। शास्त्रों में बहुत जगह कारण शुद्ध पर्याय की ध्वनि आती है, लेकिन स्पष्ट रूप से कारण शुद्ध पर्याय का विवेचन कि जो पर्याय उत्पाद वे बिना की है, मैंने जो उत्पाद वे रूप पर्याय नहीं है, वो जैसे त्रिकाली स्वभाव त्रिकाली ध्रुव है, ऐसे त्रिकाली का वर्तमान माने वर्तमान ध्रुव जिसे अपन बोलते हैं वर्तमान ध्रुव, कि वो कारण शुद्ध पर्याय है और वो कार्य का निकटतम कारण है, वो चर्चा नियम सार अधिकार के द्वारा पहली बार प्रकाश में आई। इसी तरह उपयोग की चर्चा के संबंध में उपयोग के आचार्य भगवान ने दो भेद किए, एक कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग और एक कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग। मैंने कार्य ज्ञानोपयोग, फिर उसके और भी भेद प्रभेद हैं, लेकिन इन दो बातों पर अपने को चर्चा करना कि कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग यानी त्रिकाली ज्ञान स्वरूपी कारण परमात्मा, और कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग माने केवल ज्ञान की पर्याय। तो उन्होंने कहा इनका मतलब क्या है, इनका मतलब यह है कि केवल ज्ञान की पर्याय सकल प्रत्यक्ष है। क्या कहा, सकल प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष माने सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवंता, यानी वो सकल प्रत्यक्ष है क्या। और जो कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग है जो कि त्रिकाल है, कि जो कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग है तो कहते हैं कि वो स्वरूप प्रत्यक्ष है, जहां उस स्वरूप प्रत्यक्ष का स्वीकार होता है कि अरे मैं तो स्वभाव से ही प्रत्यक्ष हूं, मैं गुप्त हुई नहीं, मैं आज तक गुप्त रहा ही नहीं, मैंने अपने आप को भले ही गुप्त माना लेकिन सच में मैं गुप्त नहीं, मैं तो सकल स्वरूप प्रत्यक्ष हूं, मैं तो स्वरूप प्रत्यक्ष हूं। समय सार की छठी गाथा में के आधार पर कहें तो मैं तो नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं हूं, मैं तो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति हूं। ऐसा जो कारण परमात्मा कि उसके ज्ञानोपयोग की चर्चा इस नियमसार अधिकार में आई है, नियमसार के शास्त्र में आई है। अजीव अधिकार में जब चर्चा करते हैं तो अजीव अधिकार में पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की चर्चा आचार्य देव करते हैं, और टीकाकार एक जगह लिखते हैं कि अजीव की चर्चा तो आत्मज्ञान में विघ्न कारक है। क्या मतलब इसका, कि अरे हमें अजीव की चर्चा करना पड़े ये तो हमारे आत्मध्यान में विघ्न का कारण है। फिर करते क्यों हो, तो अगर इस जीव ने अजीव में जीवपने की भ्रांति नहीं की होती, समझा रहा है? क्या कहा,
अजीव में जीवपने की भ्रांति नहीं की होती तो हमें ये अजीव है ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हम ये क्यों बता रहे हैं कि ये अजीव है, क्योंकि हम उसे जीव मान के बैठे। शरीर अजीव है, इंद्रियां अजीव है, कर्म अजीव है, मन अजीव है, वचन अजीव है, ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम शरीर से लेकर इंद्रियां, मन, वचन सबको जीव मान करके बैठे हैं। कदाचित जीव नहीं मानने की भाषा बोलते हैं अपन कि नहीं नहीं शरीर और आत्मा अलग है। भाषा ये बोलने पर भी अंतरंग अभिप्राय में ये अभिप्राय पड़ा रहता है कि इस अजीव की क्रियाओं का कर्ता मैं हूं। तो चाहे उसको अपना मानो, चाहे उन क्रियाओं का कर्ता अपने को मानो, बात तो एक ही हुई ना, मालिक तो बन गए अपन उसके। अब अपन और मुमुक्षु कहलाने लगे तो अजीव की क्रियाओं का कर्ता मैं नहीं, हमने अपनी भाषा और थोड़ी सुधारी और अपन क्या बोलने लगे, मैं तो मात्र निमित्त हूं, है ना। और बार बार हमें अजीव की क्रियाओं में निमित्त होने की याद आवे, क्या कहा समझ में आ गया, बार बार अजीव की क्रियाओं में निमित्त होने की याद आवे, इसका मतलब यह है कि अभी हमारा अजीव के प्रति स्वामित्व का अभिप्राय टूटा। अरे निमित्त है तो जान लिया ना, एक बार निमित्त है, तुझे बार बार क्यों याद आता है? लेकिन मैं निमित्त हूं, देखो करता नहीं हूं मैं, लेकिन मैं निमित्त हूं, मैं करता नहीं हूं लेकिन मैं निमित्त हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जोर देकर के तू निमित्त की बात को बोलता है कि मैं करता नहीं हूं लेकिन मैं निमित्त हूं, तो ये जो जोर देकर के निमित्त की बात बोलता है, सच में भाषा निमित्त की है और अभिप्राय काय का है, अभिप्राय करता पने का, समझ आ गया। और ये करता पने का अभिप्राय वास्तव में अपन लोगों के लिए अनंत संसार के परिभ्रमण का एकमात्र कारण है। हम भाषा कितनी ही सुधार लें, जब तक अभिप्राय का सुधार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद एक शुद्ध भाव अधिकार आया है, और ये शुद्ध भाव अधिकार जिसकी अभी मैंने चर्चा की कि कारण कार्य के रूप में नियम सार परमागम लिखा, तो ये जो शुद्ध भाव अधिकार है, इस नियम सार ग्रंथ में जिस मार्ग और मार्ग फल की चर्चा की, उस मार्ग और मार्ग फल का कारणभूत स्वभाव कौन है, तो उस अधिकार का नाम शुद्ध भाव अधिकार रखा। शुद्ध भाव के दो अर्थ होते हैं, एक वो शुद्ध कि जो पर्याय में अशुद्धता थी उस अशुद्धता का अभाव करके जो नई प्रकट शुद्धता हुई, ख्याल में आ गया, अशुद्धता का अभाव करके जो प्रकट हुई शुद्धता उसको भी शुद्ध भाव बोलते हैं। लेकिन शुद्ध भाव अधिकार में अशुद्धता का अभाव करके प्रकट होने वाली शुद्धता का निरूपण नहीं है। शुद्ध भाव अधिकार में उस शुद्ध त्रिकाली कारण परमात्मा का निरूपण है कि जिस कारण परमात्मा में अनादि से लेकर आज तक अशुद्धता का प्रवेश ही नहीं हुआ, माने अशुद्धता को मिटा करके शुद्ध होना यह पर्याय का धर्म हो सकता है लेकिन यह मेरा धर्म नहीं हो सकता। मेरा माने कारण परमात्मा का धर्म नहीं हो सकता, मुझ आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। मेरा जो त्रैकालिक स्वभाव है कि वो किसी अशुद्धता का अभाव करके शुद्ध नहीं हुआ है, बल्कि वो कैसा शुद्ध है कि जिसमें अशुद्धता का प्रवेश ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ बेटा अशुद्धता का प्रवेश? अशुद्धता कैसे आती है कि कुछ न कुछ मिलाओ, मिलावट करोगे तो अशुद्धता आएगी ना, या तो मिलावट करोगे तो अशुद्धता आएगी, या किसी के साथ में कुछ संबंध स्थापित करो, मिलावट से और संबंध से अशुद्धता आती। त्रिकाली भगवान कारण परमात्मा के साथ जहां छाई के भाव की भी मिलावट नहीं है, आया कौन से भाव की मिलावट नहीं है,
तो पूर्ण शुद्ध केवल ज्ञान, पूर्ण शुद्ध सिद्ध दशा, अरे छाई के भाव की भी जिस कारण परमात्मा के साथ मिलावट नहीं है, वहां शरीर वाणी मन कर्म इत्यादि की बात तो करना ही क्या, वहां उदय भाव की बात तो करना ही क्या। तो जिसमें किसी की मिलावट नहीं और जिसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं, अरे साहब कैसी बातें करते हो, कर्म के साथ तो हमारा संबंध है, कर्म के साथ संबंध है कि नहीं? तुम्हारा उत्तर आएगा हां है, नहीं है। कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय के परिणाम के साथ है। किसके साथ है? द्रव्य के साथ के गुण के साथ के पर्याय के साथ, बोलो संबंध है ना। तो संबंध नया हुआ है ना, संबंध मैंने इसके पहले नहीं था, अभी ये हुआ और आगे नहीं रहेगा। तो जो अभी नहीं था, अभी है, कभी नहीं था और कभी नहीं रहेगा, तो वो तो पर्याय के साथ है। त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा अनादि से है, है और है, अनादि से है, है और है। ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा है, उसका किसी कर्म के साथ कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। वो सर्व संबंधों से रहित तत्व है, वो सर्व मिलावट से रहित तत्व है। इसलिए सर्व मिलावट और सर्व संबंधों का निषेध करने वाला, मैंने जिसमें ये है ही नहीं, निषेध करना ये भी बोलने की भाषा, वास्तव में वो तो संबंधों का निषेध भी नहीं करता, मिलावट का निषेध भी नहीं करता, क्योंकि मिलावट हुई हो तो निषेध करे। ऐसा अनबोला तत्व, ऐसा जो ध्रुव कारण परमात्मा है, उस ध्रुव कारण परमात्मा की चर्चा 50 से नहीं 38 गाथा से लेकर 50 गाथा तक की, और उसके बाद 5 गाथाओं में देशना लब्धि आदि की बहुत सुंदर, बहुत गंभीर और गंभीरतम चर्चा आचार्य देव ने की है। आ गया, उसमें एक विशेषता आपको बताता हूं। तो आजकल समाज का ये माहौल चलता है कि साहब आचार्यों के प्रमाण चाहिए, पंडितों का लिखा हुआ प्रमाण नहीं है, या ग्रस्त सम्य दृष्टियों का प्रमाण नहीं है, मुनिराज की या आचार्यों की वाणी ही प्रमाण है। इस संबंध में नियम सार की 53 नंबर की गाथा अपने को बहुत बड़ा आधार देती है। वो गाथा ये कहती है कि कोई भी जीव जब अपनी योग्यता से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो उसमें जिन सूत्र बाह्य निमित्त है, क्या कहा उसमें, जिन सूत्र बाह्य निमित्त है और जिन सूत्र के ज्ञाता, क्या कहा ध्यान से सुनना जरा, जिन सूत्र के ज्ञाता पुरुष अंतरंग निमित्त है, क्योंकि उनके दर्शन मोह के छयाधिक हुए हैं। ये दर्शन मोह के छयाधिक कहकर के आचार्य क्या कहना चाहते हैं? मुनिराज की ही बात नहीं है, माने देखो पहली बात तो जिनवाणी को बहिरंग निमित्त कहा, और जिन सूत्र के ज्ञाता सम्य दृष्टि धर्मात्माओं को क्या कहा, अंतरंग निमित्त। ये क्या, ये इसका ये कहकर के क्या कहना चाहते, जिनवाणी का मूल्य कम करते हैं ये बात नहीं है उसमें, जिनवाणी की कीमत घटाते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिनवाणी अपने अर्थ अपने आप नहीं बोलती, समझे, शास्त्र लिखे ना, शास्त्र लिखे ना, तो शास्त्र अपने अर्थ अपने आप बोलते हैं कि कोई समझाने वाला होगा तब वो उसके अर्थ खुलते हैं। भाई आपकी किताबों में सारा ज्ञान लिखा है कि नहीं? आप लौकिक स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आपकी स्कूल आपकी किताबों में सारा ज्ञान लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? टीचर जो पढ़ाता है किताब के बाहर का तो नहीं पढ़ाता, फिर टीचर के पास क्यों जाते हैं? तो उस किताब में से हम अपने आप नहीं पढ़ सकते, उसको पढ़ाने वाला टीचर होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका विशेषज्ञ है। इसी तरह जिन सूत्र में सारा तत्व ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन जब तक उस जिन श्रुत का विशेषज्ञ, और विशेषज्ञ में किसको लिया, जिसके दर्शन मोह के छयाधिक हुए हैं। मुनिराज की बात नहीं उठाई मुख्य रूप से, दर्शन मोह के छयाधिक होते हैं, हुए हैं, ये बात कहकर के कौन से गुणस्थान से बात शुरू की उन्होंने? चौथे गुणस्थान से, है ना।
तो जो चौथे गुणस्थान वालों को, पंचम गुणस्थान वालों को, विद्वानों को उड़ाते हैं और अपने तथाकथित त्याग का दंभ भरते हैं, जिनके पास मिथ्यात्व का भी त्याग नहीं है और केवल वो बाहर के त्याग का दंभ भर के ये बात बोलते हैं कि पंडितों का प्रमाण नहीं चाहिए हमें, मुनिराजों का और आचार्यों का प्रमाण चाहिए, तो उनसे ये कहते हैं कि मुनिराजों और आचार्यों का तो प्रमाण है ही, लेकिन जिन सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को तुम प्रमाण नहीं मानते उससे तुम्हारी अप्रमाणिकता सिद्ध होती है कि तुम कितने अप्रमाणिक व्यक्ति हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ऐसी बात है। तो ये बात 53 नंबर की गाथा में अंतरंग निमित्त कहकर के सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को अंतरंग निमित्त कहा और आचार्य देव ने यह बात कही। शुद्धोपयोग अधिकार पूरा होने के बाद अब यहां से चारित्र का अधिकार चालू होता है, जिसकी चर्चा मैंने की थी शुरू में, मार्ग और मार्ग फल की चर्चा करेंगे, है ना। तो यहां से मार्ग और मार्ग फल की चर्चा चालू होती है। तो मार्ग और मार्ग फल की चर्चा क्या है, उस मार्ग और मार्ग फल की चर्चा के संबंध में हम कल की कक्षा में विचार करेंगे।